श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के चेयरमैन महंत राजेश बिट्टू ने महानवमी की सभी देशवासियों को मुबारकबाद दी। कहा, सभी श्रद्धालुओं पर प्रभु राम की कृपा बनी रहे। इस दौरान महंत राजेश बिट्टू ने जम्मू शहर में मंदिर तोड़े जाने की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा, अगर प्रशासन ने दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की तो साधु समाज बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि कंजक पूजन के साथ साथ आज पूरे मंदिरों में एक भव्य आयोजन जो हो रहे हैं उसको लेकर के आज मैं सभी को पहले बधाई देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ आज जो कंजक पूजन विशेष रूप से हमारे बड़े एक दानवीर श्री शेखर जी द्वारा कि जो स्लम में बच्चे रहते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए एक विशेष कंजक पूजन का आयोजन उन्होंने करवाया है, जिसमें सारा बच्चों को पेंसिलें उनका सारी व्यवस्था करेंगे। साथ साथ आप देख रहे हैं कि कंजक पूजन के साथ साथ आज भव्य झांकियां आज मंदिरों के अंदर जैसे कंजकें निकल रही हैं और लोग शाख परवाने के लिए भी जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा पवित्र दिन आज जो हमारा है उसको मनाने की पूरी तैयारी चल रही है। और मैं आपको भी इस माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सिद्रा वाले मसले में लेकर के हमारे बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, भारत रक्षा मंच, विश्व हिंदू परिषद के प्रयास कल रहे और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर षड्दर्शन साधु समाज ने भी एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च अधिकारियों से बात करके चेताया है। और हम कहना चाहते हैं कि अगर दोषियों को तुरंत कार्रवाई नहीं की तो ये दो दो चार चार लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं, जो अपना मैसेज देना चाहते हैं कि हम मंदिर तोड़ के या मूर्तियां तोड़ करके कोई ऐसा संदेश दे, हम एडमिनिस्ट्रेशन से हमने कहा है कि अगर आप ये लोगों को पकड़ना ही नहीं, सिर्फ अगर उनको ऐसी सजा कि लगे कि हिंदू के ऊपर प्रहार किया है, उस विषय में लेकर के हमने कल उच्च अधिकारियों को चेता दिया है। और साथ साथ से वे जम्मू कश्मीर षड्दर्शन साधु समाज, पूरा जम्मू कश्मीर साधु समाज, अगर थोड़े दिनों में ये सरकार विफल रहती है इसमें पकड़ने में और दोषियों को सजा देने में, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा आयोजन वहाँ का संत जो है वो शंखनाद करेगा और जो सिद्रा से नहीं जम्मू कश्मीर से आवाज़ निकलेगी कि जहाँ पे प्रहार करने का नतीजा क्या होता है। जगन्नाथ यात्रा के बारे में भी आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जग में बड़ा सुंदर नाम जगन्नाथ जी का, 17 तारीख को यहाँ भव्य एक आयोजन है, 16 को जगन्नाथ जी का प्रकट्य होगा जो उस कमेटी में बना है। श्री विक्रम जी हैं, संजय जी हैं, राजेश जी हैं और साथी हैं। मैं समझता हूँ कि ये भव्य यात्रा देवी द्वारा मंदिर से चलेगी और आप उस दिन देखोगे कि जगन्नाथ जी की कृपा जो आरसपुरा वालों पे होने वाली जा रही है, पहली बार आरसपुरा के अंदर इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है। तो मैं तमाम भक्तों से, तमाम मंदिरों की कमेटियों से, संत समाज से, मठ के पुजारियों से, भंडारियों से, कुठारियों से और खास, अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।